नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा कौमी एकता सप्ताह। जिलाधिकारी राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 से 25 नवंबर तक मनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। तदक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि 19 नवंबर से जनपद के समस्त सरकारी कार्यालयों, निगमों, विद्यालयों आदि में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से एकता संबंधी शपथ लिए जाने के साथ साथ जनपद स्तर पर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, अहिंसा आदि विषयों को महत्व देने के उद्देश्य से विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। जिलाधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 19 नवंबर को एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें समस्त सरकारी कार्यालयों, निगमों में एकता संबंधी शपथ ली जाएगी। जिला स्तर पर एकता शपथ एवं अन्य कार्यक्रम कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम की बातों पर जोर देते हुए आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए विशेष जुलूस निकाले जाने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। ये कार्यक्रम समस्त तहसीलों एवं नगर निकायों में आयोजित किए जाएंगे। 21 नवंबर को भाषाई सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को जनपद के समस्त विद्यालयों में सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। ये कार्यक्रम समस्त तहसीलों एवं विकास खंडों में भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी को दी गई है। कौमी एकता सप्ताह के चौथे दिन 22 नवंबर को कमजोर वर्ग दिवस के रूप में निराला प्रेक्षा गृह, विकास भवन, विद्यालयों में मनाया जाएगा। इस दिन विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग की सहायता करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम, रैलियां आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पेंशन, पट्टा एवं ऋण वितरण संबंधी विशेष शिविर आयोजित कर कमजोर वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कमजोर वर्ग पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए CDO, DIOS, BSA, जिला समाज कल्याण अधिकारी, LDM, समस्त SDM, समस्त तहसीलदार आदि को जिम्मेदारी दी गई है। 23 नवंबर को सांस्कृतिक एकता दिवस के अवसर पर पूर्वाह्न 11 बजे से जिनाद जी बालिका इंटर कॉलेज तथा तहसील स्तर पर भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक संरक्षण, विविधता में एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समारोह के साथ साथ वाद विवाद, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जनपद स्तर पर सांस्कृतिक एकता दिवस मनाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक प्राचार्य जीनाथ जी बालिका इंटर कॉलेज, निदेशक जन शिक्षण संस्थान, अध्यक्ष रोटरी क्लब तथा तहसील स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत 24 नवंबर को महिला दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय समाज में महिलाओं के महत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष रोटरी क्लब एवं इनर व्हील क्लब तथा तहसील स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौमी एकता सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वन चेतना केंद्र दही चैकी उन्नाव में गोष्ठी की जाएगी। इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से DFO, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र तथा अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को नामित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा समस्त नामित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कौमी एकता सप्ताह के दौरान समस्त निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अधिकारीगण कार्यक्रम आयोजित कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वृहद प्रचार प्रसार किया जाए तथा जन सामान्य को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।